हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा यंग और फ्रेश दिखे, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ की होती है। और इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगी जो कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ के बीच में बहुत पॉपुलर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह और आज हम बात करेंगे 2024 के टॉप सेलिब्रिटी स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में। केमिकल पिल्स, ये फर्स्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल पिल्स की। ये एक पॉपुलर मेथड है जो पुरानी वेरी सुपरफिशियल स्किन, जो डेड स्किन कहलाती है, उसको रिमूव करने के लिए और फ्रेश स्किन फिर से वापस आती है उसके बाद। इसके बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार है। पहला, एक्ने या मुहासों को रिड्यूस करता है। दूसरा, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तीसरा है हाइपर पिगमेंटेशन या मुहासों के दाग धब्बे पैची स्किन पिगमेंटेशन को कम करता है। और चौथा है इनिशियल स्टेजेस के फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करता है। स्किन का टैन कम करने के लिए और ऑयलीनेस कम करने के लिए बहुत एफिशिएंट है। अगर आपकी स्किन सन डैमेज है और आपकी एजिंग सेंस दिख रही है स्किन पर, तो केमिकल पिल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। अब बात करते हैं बोटॉक्स के बारे में थोड़ा सा। ये एक माइनर इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि फेस या नेक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे फेस के और नेक के रिंकल्स फाइन लाइंस को कम किया जाता है। इसके बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार है। फोरहेड या आईज के अराउंड जो फाइन लाइंस रहते हैं उनको स्मूथ करता है। स्किन को यूथफुल और रिफ्रेश लुक देता है। मसल्स एक्टिविटी को टेम्परली रिड्यूस करता है, जिससे न्यू रिंकल्स बनने में और कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्विक रिकवरी टाइम और नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट, जिनकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है। सो जिनकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स है और वो नॉन सर्जिकल वे में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बोटॉक्स उनके लिए सूटेबल हो सकता है। नेक्स्ट है डर्मल फिलर्स। उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं अब। ये फिलर्स आपकी स्किन को वॉल्यूमाइज करते हैं और सैगिंग को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स रहते हैं। बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार है। चिप्स और लिप्स को ये फुलनेस देते हैं। फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करते हैं। स्किन कॉन्टोर को एनहांस करते हैं और इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एज रिलेटेड वॉल्यूम लॉस को रिवर्स करना चाहते हैं या अपने फेशियल कंटूर्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो डर्मल फिनर्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिफेशियल्स। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड स्किन केयर ट्रीटमेंट है जो कि स्पेसिफिकली आपके स्किन नीड्स के अकॉर्डिंग टू टेलर्ड हो सकती है। हाइड्राफेशियल इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके स्किन को रिफ्रेश और रिजुनेट किया जाता है। उसके बेनिफिट्स इस तरह से है। स्किन हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है। अनइवन स्किन टोन को करेक्ट किया जाता है। एनवायरमेंटल डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट किया जाता है। कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। जो लोग अपनी स्किन को टेलर मेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए मेडिफेशियल एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन एक जेंटल नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जो स्किन को रिज्यूनेट और रिन्यू करता है। इस प्रोसीजर में स्किन की ऊपर लेयर को हम स्लोली निकालते हैं, जो डेड स्किन रहती है उसको ब्रश ऑफ किया जाता है। उसके बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार है। डेड स्किन सेल्स को इफेक्टिवली रिमूव किया जाता है। न्यू सेल ग्रोथ को प्रमोट या स्टिमुलेट किया जाता है। स्किन टेक्सचर और टोन को एनहांस किया जाता है। पोर्स को मिनिमाइज किया जाता है। अगर आप अपनी स्किन को फ्रेश और वाइब्रेंट लुक देना चाहते हैं, तो माइक्रोडर्माब्रेशन एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज वैम्पायर फेशियल। वैम्पायर फेशियल एक यूनिक ट्रीटमेंट है, जिसमें आपके खुद का ब्लड भी यूज़ किया जाता है आपके स्किन सेल्स को रिजुनेट करने के लिए और आपकी स्किन को हील करने के लिए। इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं।
कि जैसे नेचुरल कोलाजन प्रोडक्शन ये बूस्ट करता है, स्किन टेक्सचर और इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है स्किन की, ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, ओवरऑल स्किन का टोन ब्राइटनेस इम्प्रूव करता है। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने स्किन को रिजुविनेट करना चाहते हो तो वैम्पायर फेशियल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज टिश्यू टाइटनिंग। इस ट्रीटमेंट में लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके स्किन के डीपर लेयर्स को कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को स्ट्रेंथनिंग किया जाता है, जिससे स्किन की ऊपरी लेयर टाइटन एंड रिजुविनेट दिखती है। ये एक नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव, ये दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा इमीडिएट स्किन ग्लो और रिजुविनेशन फील होता है। लॉन्ग टर्म में स्किन इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। अगर आपका एज 30 to 45-50 के दरमियान है और इनिशियल लूज स्किन दिख रही है तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए है। और देखते हैं लास्ट ऑप्शन, लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट जैसे मल्टीपल स्किन कंसर्न्स हो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इसके बेनिफिट्स इस प्रकार, एक कि हेयर रिमूवल के लिए इफ़ेक्टिव रहता है, एक्ने स्कार्स और एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, स्किन टाइटनिंग और रिजुविनेशन में हेल्पफुल है, पिगमेंटेशन इश्यूज को ट्रीट करता है। अगर आप मल्टीपल स्किन इश्यूज को साइमल्टेनियसली एड्रेस करना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं विथ मिनिमल डाउन टाइम, देन लेज़र ट्रीटमेंट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों, ये थे कुछ एडवांस सेलिब्रिटी स्किन ट्रीटमेंट्स जो कि 2024 में पॉपुलर हो रहे हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स इनकी डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके बेनिफिट्स लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हर ट्रीटमेंट के अपने यूनिक बेनिफिट्स हैं और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।